नमस्कार। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम किताब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और हम लोग इस समय शिमला में हिमाचल स्टेट म्यूजियम के प्रांगण में एक किताब पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग एक कविता संकलन पर बात करेंगे। इसके पहले एक एपिसोड में हमने एक कहानी संकलन पर बात की थी, विजय दान देथा के कहानी संकलन दुविधा पर, लेकिन आज जिस संकलन पर हम बात कर रहे हैं वो किसी एक कवि की कविताओं का नहीं बल्कि भारत के 100 महत्वपूर्ण समकालीन आधुनिक कवियों की कविताओं का प्रतिनिधि संकलन है और इसका प्रकाशन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। पुस्तक का नाम है सिग्नेचर्स। ले चल मुझको भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। महाकवि जयशंकर प्रसाद की यह कविता इसके शाब्दिक अर्थ को खूबसूरती से बयां करती है। इसीलिए किसी ने कविता को सत्य की अनुभूति कहा है तो किसी ने जीवन की अनुभूति बताया। कोई भी भाषा अपना सबसे ज्यादा सृजनात्मक और सघन अवतार कविता में लेती है। कविता एक तरफ कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात कहने की कला है तो दूसरी तरफ शब्दों के जरिए जीवन की सच्चाइयों के उन अर्थों की खोज है जिन्हें हमारी आंखें आम तौर से नहीं देख पाती। इसीलिए तो कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भारतीय कविता के विभिन्न स्वरों को दुनिया भर में मान्यता और स्वीकृति मिली है। मलयालम भाषा के मशहूर कवि और लेखक के सच्चिदानंदन द्वारा संपादित पुस्तक सिग्नेचर्स कविता संकलन है, लेकिन यह किसी एक कवि की कविताओं का नहीं बल्कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के 100 अग्रणी कवियों की चुनिंदा कविताओं का संकलन है। इसीलिए यह किताब सारी समकालीन भारतीय कविता की आवाजें अपने में समाए हुए है। इन कविताओं से गुजरते हुए हम आधुनिकता और परंपरा के द्वंद और संवाद से भी गुजरते हैं, तो सामाजिक राजनीतिक सवालों और चिंताओं से भी। हमें कविता की भारतीय परंपरा के विकास के साथ विश्व साहित्य से उसके संवाद का भी बोध होता है। कुल मिलाकर सारी भारतीय कविता और कविता के जरिए भारतीय संवेदना का अच्छा खासा अनुमान इस तरह के संकलन में हो जाता है। इसके संपादक के सच्चिदानंदन, जो स्वयं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अत्यंत महत्वपूर्ण कवि मलयालम के और समूची भारतीय कविता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, साहित्य अकादमी के सचिव भी आप रह चुके हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का मामला है कि इस संकलन पर बात करने के लिए इसके संपादक के सच्चिदानंदन हमारे साथ मौजूद हैं। सच्चिदानंदन जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए आपने अपनी सहमति दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पहले हिस्से में सच्चिदानंदन जी से थोड़ी बातचीत में करूँगा, उसके बाद हमारे साथ इस म्यूजियम के क्यूरेटर मौजूद हैं और शिमला के स्थानीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, अध्यापक, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, और व्यक्तिगत रूप से इसके लिए मैं शिमला वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि कविता संकलन पर बात करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में नौजवान लोग मौजूद हैं। आजकल कविता की जो हालत है समाज में, मेरे ख्याल से सच्चिदानंदन जी, ये तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा जी, इतने सारे नौजवानों को कविता पर बात करने के लिए एकत्रित देखकर और कविता के बारे में सुनने के लिए। मैं सवाल हिंदी में करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी हिंदी में जवाब दें, लेकिन जहां आपको लगे कि असुविधा हो रही है आप बेशक अपनी बात कहिए, अंग्रेजी में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि ये इस तरह का संकलन तैयार करने का, जिसमें सबसे पहले कवि मेरा ख्याल है जीवनानंद दास है और सबसे अंत में नीलिम कुमार की कविता है, तो ऐसा एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाला कविता संकलन करने की बात आपके मन में स्वयं आई या आपको किसी ने सुझाया? मैंने ये तो चाहा ही था, लेकिन जब NBT से ये लेटर आया कि मैं एक संकलन तैयार करूं,
मुझे लगा एक अच्छा मौका है और मैंने सोचा मैं ये करूँगा। एक साउ उन्होंने एक नहीं कही कहा था कि कितने कवियों का वो संग्रहण होगा, लेकिन मैंने खुद निर्णय किया कि मैं 100 बड़े आधुनिक कवियों को, 3 पीढ़ियों के कवियों को लूँगा और ये तैयार करूँगा, और उसका नाम मैंने रखा सिग्नेचर्स, क्योंकि पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नेचर फॉर एनी पोएट। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, खास करके हमारे दर्शक ये जानने में उत्सुक होंगे कि एंथोलॉजी का आशय क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका कविता संकलन है या किसी का संकलन है, हम उसे अमूमन एंथोलॉजी नहीं कहते हैं, उसे हम कलेक्शन कहते हैं। जब इस तरह का कोई संकलन होता है तो उसको एंथोलॉजी कहते हैं, इसका क्या कारण है, एंथोलॉजी से आशय क्या है? एंथोलॉजी जनरली एन एंथोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ यू नो राइटिंग्स बाई डिफरेंट राइटर्स, एंड वी हैव इनफैक्ट वी हैव ए होल ट्रेडिशन ऑफ एंथोलॉजीज राइट, आई मीन इन द इंडियन लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो इन इंग्लिश, where it can be the poems of the of a particular generation, it could be the short stories collected of a generation of a particular genre, like you know we have many collections of women's stories, right, women's poetry these days, there are many collections of Dalit poetry and you know Dalit short stories. So anthologies generally try to bring together several writers who share some common features, as in this case all these poets I consider modern poets. Of course, we will discuss what that exactly means, but I would consider all of the modern poets in different ways, because modernism itself was a way of experimenting with language, a way of looking at poetry afresh, creating new kinds of language, new kinds of metaphor, new kinds of image, and to try to capture the complexity and the subtlety of modern life in all its multifarious manifestations. आपने एंथोलॉजी की बात की और मुझे याद आया कि शायद जो मुझे याद आता है भारत में संभवतः सबसे पहली एंथोलॉजी सदुक्ति कर्णामृत, एंड उसके पहले भी आप जाएं तो प्राकृत में वो उस तरह के संकलन, लेकिन सदुक्ति कर्णामृत इस लिहाज से एंथोलॉजी है कि वो एक खास तरह की कविताओं का संकलन है। जी तमिल में भी, तमिल में पदिट्टुपत्तनम, देर आर मेनी एंथोलॉजीज, ओरिजिनली वी नो अबाउट संगम पोएट्री मेनली थ्रू एंथोलॉजीज, देर आर नो सिंगल कलेक्शंस एक्चुअली, राइट, सो दैट डेट्स बैक टू ओके बीसी एक्चुअली। सो प्लीज अलाउ मी कम टू द फंडामेंटल क्वेश्चन, आपने जैसा कहा कि आधुनिक कविता का और इसकी भूमिका में आपने, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इसमें अपनी इस किताब की भूमिका में आपने लिखा है, मैं आपके लिखे का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, भारतीय भाषाओं में लिखी जा रही कविता को अभी भी अपने श्रेष्ठ अनुवादकों, आपने लिखा है मास्टर ट्रांसलेटर्स, मास्टर ट्रांसलेटर्स की तलाश बनी हुई है। इस संकलन का पहला संस्करण 2000 ईस्वी में छपा था, आज 16 साल बाद भी ये तलाश बनी हुई है या कुछ सफलता इसमें मिली है? नाउ डू वी हैव मास्टर ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडियन पोइट्री नाउ? नॉट येट, मुझे लगता है अभी हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनुवाद कर रहे हैं, मेनली अंग्रेजी में जो कविता लिख रहे हैं उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे अनुवाद भी कर रहे हैं, जैसे ए के रामानुजन बहुत अच्छे अनुवादक थे, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा कबीर का अनुवाद किया है, और रंजीत होस्कोटे आजकल लालदेद की वो कश्मीरी कवियत्री थी, उनकी कविताओं का एक संकलन आया है। सो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर, there are bilingual poets who are trying to, आपने जो तीनों उदाहरण दिए वो तीनों उस अर्थ में आधुनिक कविता के अनुवादकों के उदाहरण नहीं है। रामानुजन ने भी भक्ति की कविताओं का, शैव कविताओं का, वैष्णव कविताओं का, मेहरोत्रा ने भी कबीर की कविताओं का, आपके दिए उदाहरण के अनुसार। मेरा सवाल यह है कि इस समय लिखी जा रही कविता या पिछले 50-60 साल में लिखी गई कविता में क्या मास्टर ट्रांसलेटर्स उपलब्ध हो गए हैं या अभी भी वो तलाश बनी हुई है? कुछ लोग हैं जैसे विनय धारवाड़कर, ही हैज डन ए लॉट ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ कंटेम्पररी पोएट्री, बट इज ही अ मास्टर ट्रांसलेटर? That's my question, not translator. Yeah, actually he was a disciple of A.K. Ramanujan. I know. He is a disciple. And that way he is a good translator. I wouldn't really call him a master translator. But yes, he is qualitatively a good translator. And there are other people who are coming up actually. But translational poetry, as you know, is always a very difficult question. I'll come to that. I'll come to a particular poem
मैं एक ऐसी कविता के बारे में इस लिहाज से बात करूंगा जो स्वयं आपकी है और आपने उसका अनुवाद किया जी, 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 जी। और उसके बारे में उसमें अनुवाद में आपने उस पर्टिकुलर शब्द का चुनाव क्यों किया ये मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी मैं उसके पहले ये आपने इसमें हाई मॉडर्निटी इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है और हाई मॉडर्निटी के पहले लक्षण आपके अनुसार जीवनानंद दास और मलडेकर बांग्ला और मराठी और लगभग समकालीन कवि और फिर सारी भारतीय कविता में 1960 के आसपास ये आपके भूमिका से मैं कह रहा हूँ। हाई मॉडर्निटी से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय हाई मॉडर्निटी? आई मीन दैट फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्निज्म व्हेन देयर वाज ऑलमोस्ट अ फीलिंग दैट दे आर ब्रेकिंग अवे कंप्लीटली फ्रॉम द ट्रेडिशन एंड दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद यू नो अ लॉट ऑफ न्यू फॉर्म्स. Most of them gave up meter. They were writing in free verse. They were creating new kinds of images. Their imagination was sometimes very surrealistic, far away from external reality. And that poetry was also, to me, a solipsistic kind of poetry. By which I mean, you know, they were. It was a highly individual-oriented kind of poetry. Mm-hmm. But later, when you come to the 70s and 80s, etc., when women begin to write, when Dalit poets begin to write, there is a kind of collective voice emerging in poetry. Mm-hmm. But these poets were highly individualistic. And they were also very deeply experimental. It was a generation of avant-garde poets. Even Marthekar is a very good example from Marathi, because he was a student of T.S. Eliot. And I'm sure Eliot must have been one of the inspirations behind his turn to new poetry. So he gave up a tradition and created a new kind of poetry. But as we know, Eliot को आधुनिकता का जो रूप उनके समय में था उसको लेकर काफ़ी संदेह थे जी. और एलियट का बल परंपरा पर था और उनकी प्रसिद्ध उक्ति है कि कविता लिखने के लिए ये जरूरी है, अगर आप 25 बरस की उम्र के बाद कविता लिखना चाहते हैं जी. तो जरूरी है, वो यूरोप के संदर्भ में बात कर रहे थे जी. कि सारी यूरोपियन कविता की परंपरा आपकी मांस मज्जा में होनी चाहिए जी. इट मस्ट फ्लो इन योर वीन्स, जैसा एलियट कहते हैं. और दूसरी तरफ आपने इसी पुस्तक में दिलीप चित्रे को उद्धृत किया है और आपने लिखा है, दिलीप चित्रे जो मर्डेकर के बारे में कहते हैं वो आपने उद्धृत किया है कि द एगनी ऑफ तुकाराम इन सर्च ऑफ गॉड एंड द हार्ड हिटिंग मॉरल डायडेक्टिक ऑफ रामदास वर समथिंग विच कुड एश्योर अ न्यू पोइग्नेंसी इन द पोस्ट वॉर सिचुएशन विच हैड लेड टू अ क्राइसिस इन हिज इंडिविजुअल वे ऑफ फीलिंग. ये मर्डेकर के प्रसंग में दिलीप चित्रे कह रहे हैं. फिर ये बात जो आपने अभी कही कि ट्रेडिशन से एकदम अलगाव, ट्रेडिशन से ब्रेक, यहाँ तो ऐसा लगता है कि मर्ढेकर, जिनको आप हाई मॉडर्निटी के कवि के रूप में देखते हैं, वो असल में परंपरा में वापस जा रहे हैं. रामदास और तुकाराम से जुड़कर के वो अपनी कविता खोज रहे हैं. दैट इज एक्जेक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट देन इट सीम्ड दैट दे वर ब्रेकिंग ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द ट्रेडिशन. इट सीम्ड टू देम, इट सीम्ड टू देम एंड इट सीम्ड इवन टू द रीडर्स इन द बिगिनिंग. ओके, बट ग्रेजुअली वी केम टू रियलाइज, आई मीन इट इज इवन माय ओन केस, वी केम टू रियलाइज वी वर नॉट रियली फार अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन एंड वी कुड नॉट बट स्टैंड ऑन द ट्रेडिशन. इवन टू क्रिएट एनीथिंग न्यू, यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू, लाइक लेट सेड, we need to know the tradition thoroughly, because only then you will know where you are located within your language, within the traditions of Indian poetry. And without that awareness of the location, the precise space that you occupy, it is very difficult to create anything fresh, because you will not even know whether it is something new that you are creating, because somebody must have already created something that you are now trying to create. So I think later this awareness came that no, it was not a complete break in any way. It was a very minor, nuanced kind of change from tradition. Looking back now to the 60s and late 50s and all that, you feel that after all, it was not a revolution or anything. it was a minor break, a minor change from the kind of poetry that was being written before. Like Jeevanananda, you can connect Jeevanananda to Tagore in many ways, even though. Jeevanananda had his own world, his own take on nature and life and all that. But still, and he did not have the optimism that Tagore had. He was a kind that of actually is the brief. Yeah, that actually is the brief. He was a pessimist, and there's a lot of nostalgia, a lot of sadness and despair. Or yes, as you find in Mukti Bodh also. Asal mein ye keval aapne bahut sahi udaharan diya Mukti Bodh. यानी मुक्तिबोध की कविता में भी जिस तरह मर्ढेकर के बारे में दिलीप चित्रे कहते हैं, मुक्तिबोध की कविता में संदर्भ आते हैं,
और बिना बताए ऐसे बहुत से संदर्भ आते हैं जिन्हें आप समझ ही नहीं सकते अगर आपको पूरी पौराणिक और काव्य परंपरा का ज्ञान ना हो। ब्रह्म राक्षस उनका जो सबसे प्रसिद्ध रूपक और प्रतीक है, तो ब्रह्म राक्षस का अर्थ मतलब आप तभी समझ सकते हैं जब आप जानते हो कि ब्रह्म राक्षस होना क्या होता है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही सच्चिदा जी के मुक्तिबोध के यहाँ उस तरह की आशावाद की चीजें कम दिखती है। नहीं है, अंधेरे में जैसे, अंधेरा में जैसे, या। और उस अंधेरे से मुक्ति की कोशिश है, उम्मीद है, लेकिन फिर भी जो पूरा प्रभाव वो कविता छोड़ती है वो एक बहुत डरावना प्रभाव है। हाँ, और ये बात जीवनानंद दास के बारे में भी सच है, जी, जी, जी। ये बात मर्ढेकर के बारे में भी सच है। ये लोग अस्तित्ववाद से प्रभावित थे, जैसे मुक्तिबोध, जैसे आप जानते हैं सार्त्र और हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल। और अस्तित्ववाद के अंदर एक तरह की एक तरह की निराशता निराशा वो है उसमें। जी, जी, जी। एक जो बात हम लोग आधुनिकता की कर रहे हैं, तो उस समय भी और आजकल भी, और केवल कविता में नहीं बल्कि व्यापक तौर से भी, दो बातें आधुनिकता के प्रसंग में आजकल हैं। जी, एक तो उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव में आधुनिकता अपने आप में बड़ी संदिग्ध चीज हो गई है। हमारी बहुत सारी मुसीबतों की जड़ आधुनिकता में खोजी जा रही है, और इसीलिए लेखकों में भी और व्यापक समाज में भी बहुत सारे लोग आधुनिकता को पूरी तरह रद्द करके परंपरा की ओर जाना चाहते हैं। हिंदी में मिसाल के तौर पर विद्यानिवास मिश्र, और बाद में आगे चल के निर्मल वर्मा का एक आग्रह लगातार उस तरह का बनता है, अज्ञेय बाद में उस तरह का आग्रह बनता है उनके यहाँ। और दूसरी ओर एक समझ पिछले 20-25 साल में ये भी विकसित हुई है कि असल में भारतीय और दूसरी परंपराओं में अपनी आधुनिकता विकसित हुई थी या हो रही थी। मैं खुद अपनी किताब में यही आर्ग्यू करता हूँ, देशवाज आधुनिकता की बात मेरी किताब करती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, हाउ वुड यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन परंपरा, उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता एंड वर्नाक्युलर और इंडिजिनस मॉडर्निटी, इफ देयर इज एनी? Yeah, now talking at the present moment, I would say that each language had developed its own kind of modernity. Mm-hmm. In fact, in order to understand Indian modernity, it's impossible, I believe, to make many generalizations. There were certain common things, like with the early moderns, as we found, there was a despair, there was solitude, there was the angst that came from the urban life. They felt very lonely in the cities. Many of them were born in the villages and later came to the cities. There was a kind of solitude, and there was also a kind of disappointment, which was apparently personal, but which also had social reasons. Yes, because you know, Gandhism had lost its impact on human life, and Gandhian values were retreating, and there was a lot of changes happening in the society. There was a change in the value system. The old values were disappearing. Villages were disappearing. People were moving from villages in large number to cities seeking employment. And there was a disappointment about the kind of freedom we got. Like Nasrul Islam once said, will Swaraj bring milk for the crying child? So that question. ये सुबह वो तो नहीं जिस सुबह का मुझे इंतजार था। हाँ जी 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 जी। या even केदारजी has, केदारनाथ सिंह also has expressed this kind of a disappointment in a different way, because nobody because there was a lot of hope around freedom, yes, and people felt a little disappointed that things were not happening the way they wanted it to be. So that was also there in the background of this despair. Even though we call it a personal despair, in the background you will see this kind of a what you call disillusionment, moha. So there was this disillusionment in all of them, but gradually it looks like each language comes back to its own traditions in its own way. आपने गांधी जी का जिक्र किया और इससे मैं उस सवाल पर आता हूँ, और मैं चाहूँगा आपको याद है क्या ये कविता मलयालम में गांधी एंड पोएट्री? पूरा याद नहीं है आप तो अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे कविता तो याद है। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि अगर मलयालम में थोड़ी बहुत जो याद हो वो, और नहीं तो इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद जो आपने स्वयं किया है वो आप पढ़ें हमारे दर्शकों के लिए, और इसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। गांधी एंड पोएट्री। वन डे ए लीन पोएम रीच्ड गांधीज आश्रम टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ द मैन। गांधी स्पिनिंग अवे हिज थ्रेड टुवर्ड्स राम टुक नो नोटिस ऑफ द पोएम, अशेम्ड ऑफ वेटिंग एट हिज डोर, ashamed of not being
a bhajan. The poem now cleared his throat, and Gandhi glanced at him sideways through those glasses that had seen hell. Ever pulled a scavenger's cart, ever stood the smoke of an early morning kitchen, have you ever starved? The poem said, I was born in the woods, in a hunter's mouth. A fisherman brought me up in a cottage. Yet I know no work, I only sing. First I sang in the courts, then I was plump and handsome, but am on the streets now, half-starved. That's better, Gandhi said with a sly smile. But you must give up this habit of speaking in Sanskrit at times. Go to the fields, listen to the peasant's speech. The poem turned into a grain and lay waiting in the fields for the tiller to come and upturn the virgin soil moist with the new rain. Wow, beautiful. अब आप एक कोशिश करेंगे मेरे आग्रह पर. हाँ जी जी. इस कविता का भाव जो है या अनुवाद तो नहीं कहूँगा उसको. हाँ जी. लेकिन जितना भी आप कर सकें उसको जरा हिंदी में हमारे दर्शकों के लिए कहिए. आप स्वयं कहिए कि कविता क्या कहेगी. अनुवाद है मेरे लड़ाई. नहीं नहीं वो अनुवाद नहीं है ना. अभी हमारे पास है ना वो अनुवाद. हमारे पास इस समय वो अनुवाद नहीं है तो आप बताइए. हाँ क्या ये कविता कह रही है हिंदी में बताइए लेकिन अंग्रेजी में. हाँ जी जी. गांधी और कविता के बीच एक संवाद है यहाँ. सो कविता आकर गांधी के दरवाजे पर वहाँ खड़ी होती है और अंदर आना चाहती है लेकिन अंदर आने के लिए थोड़े हिम्मत नहीं है क्योंकि वो खुद एक भजन नहीं है क्योंकि ये कविता है और गांधी तो भजन का आदमी है. सो वो वहाँ बहुत संशय से वहाँ रहती है कविता और फिर गांधी कहते हैं अंदर आओ और कविता से एक संवाद शुरू होती है. कविता गांधी पूछते हैं कविता से क्या आपने कभी कभी छेला है ये रसोई घर का थुआ या आपने कभी भी कोई गाड़ी खींचा है और कोई भी गंदी काम कभी किया है जीवन में. और कविता कहते हैं नहीं नहीं मैं तो काम तो नहीं किया मैं तो सिर्फ गाती हूँ. और जब मैं गाती थी पहले महलों में राजाओं के सामने तब मैं हृष्ट पुष्ट और मैं बहुत तंदुरुस्त थी लेकिन अब मैं यहाँ सड़क पर हूँ अथपेट सड़क में पड़ी हूँ. और तब गांधी कहते हैं वो तो सारा ठीक है क्योंकि ये अनुभव होना चाहिए कवि होने के लिए ये अनुभव भी बहुत ज़रूरी है. अधपेड़ होना बहुत ज़रूरी है सो इसलिए ये अच्छी बात है जो आपने कहा. लेकिन आप छोड़ो ये यहाँ मैंने इस्तेमाल किया संस्कृत शब्द उसका मतलब सिर्फ संस्कृत नहीं मलयालम में संस्कृत में बोलना मीन्स उसका मतलब है सोफिस्टिकेटेड किसी के समझ में नहीं आने की बात है ना. जैसे अंग्रेजी में ग्रीक कहते हैं उसी तरह से कहते हैं मलयालम में. सो ये संस्कृत में बोलने की ये आदत आप छोड़ देना. आपको अब ये किसान का जो भाषा है आम भाषा उसमें बात करना पड़ेगा. और तब कविता जाती है और कविता एक बीज बन के वो खेत में जाके पड़ रहती है बारिश आने के इंतजार में. बारिश आने का और किसान आके गोद देने के उस इंतजार में. यानी गांधी जी से संवाद करने के बाद कविता एक बीज के रूप में खेत में इंतजार कर रही है. अब सच्चिदा जी एक बात बताइए मुझे और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सभी मित्र सहमत होंगे आप इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं तो आप काहे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं. आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह हिंदी में कह सकते हैं. कोई बात नहीं. अब अगला अब इससे मेरा जुड़ा हुआ सवाल. आपने इसमें कविता के लिए पुल्लिंग का प्रयोग किया. जी जी जी. ही कम्स ही स्टैंड्स ही सेज व्हाई क्यों क्या मलयालम में कविता पुल्लिंग. लेकिन कौन तय किया कि कविता स्त्री है. नहीं देखिए ये भाषा की परंपरा का सवाल है. कविता के स्त्री पुरुष होने का सवाल नहीं है. देखिए हम लोग एक बात समझें. मिसाल के तौर पर संस्कृत में राम पुल्लिंग है और वन नपुंसक लिंग. जी जी जी. तो कोई तय नहीं किया कि वन नपुंसक या नपुंसक का मतलब नपुंसक नहीं है उस तरह का लिंग. लेकिन वो नपुंसक लिंग भाषा के भीतर.
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, मेरा ख्याल है मलयालम में कविता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है? ना, मलयालम में नपुंसक लिंग है, क्योंकि मलयालम में तीन लिंग है, संस्कृत की तरह, या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग पे. सो सारी चीजें नपुंसक होती है. यही मेरा एक डिफिकल्टी ये भी है हिंदी all में बोलने का, all the objects कभी कभी ये लिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता वो एक चीज क्या लिंग है, क्योंकि हमारे लिए वो तो नपुंसक है. देखिए देखिए सच्चिदानंदन जी, ये समस्या केवल गैर हिंदी भाषियों की नहीं है, ये समस्या खास करके पूर्व के हिंदी भाषियों की भी है जी. हो सकता, और मैं खुद आज तक ये नहीं समझ पाता कि किस तर्क से बस जाती है और ट्रक जाता है. तो ये समस्या तो शब्दों के बारे में तो बिल्कुल ये नहीं, लेकिन जो बात मेरा, जो सवाल मेरा था, ये अपनी जगह. कविता अगर मलयालम में नपुंसक लिंग शब्द है, उसको अंग्रेजी में पुल्लिंग में लाने के पीछे क्या पोएटिक चॉइस थी, उसका क्या लॉजिक था, अगर आप बताना चाहें या बता सकें तो. नहीं, यहाँ मुझे लगता है यहाँ का जो कविता एक कवि ही है एक तरह से. मैंने उसको कविता कहा है, लेकिन आखिरी तो एक कवि ही है जो इंतज़ार कर रहा है. और मेरे लिए वो कवि का आवाज़ एक पुरुष का आवाज़ था. जैसे, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूँ, व्यास और वाल्मीकि के जिक्र उसमें है, और व्यास वाल्मीकि वो उस परंपरा का याद है मेरे मन में जब मैं ये लिखता हूँ. और इसलिए मुझे लगा कि उनको मैं उनके लिए पुल्लिंग का इस्तेमाल करूं. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जस्ट एक मैटर ऑफ चॉइस. नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट चॉइस. आई इनफैक्ट लाइक एंड अप्रिशिएट द चॉइस इन द कॉन्टेक्स्ट. आई थिंक कविता शुड हैव बीन द मैस्कुलिन, एंड देयरफॉर आई पर्सनली फील दैट वाज अ गुड चॉइस. खैर, बहुत आनंद आ रहा है सच्चिदानंदन जी आपसे बात करने में, बहुत अच्छा लग रहा है. और अब हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक के बाद हमारे आज के अतिथि सच्चिदा जी यहाँ मौजूद दोस्तों के साथ बात करेंगे. और मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूँगा कि लिंग के कन्फ्यूजन की परवाह किए बिना आप हिंदी में ही बात करें. मिलते हैं ब्रेक के बाद. मेरा ही दुख नहीं, बाकी लोगों का दुख भी वही मुझे मजबूर करती है कविता लिखने में. और जब तक एक भी दुखी लोग है संसार में, मुझे लगता है कवि को उस दुखी को संबोधित करके कविता लिखना पड़ेगा. स्वागत है ब्रेक के बाद, और बातचीत जारी है. अब बात करेंगे हमारे यहाँ बैठे हुए साथियों से, शिमला के बुद्धिजीवियों और छात्रों से. कौन पूछना चाहते हैं? अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए. सर, मेरा नाम अनंदिता है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है, उस संदर्भ में आप कविता का भविष्य किस तरह देखते हैं? थैंक यू. जी, मुझे लगता है कविता कविता समुदाय से जुड़ी है, और हम अगर चाहे या न चाहे समुदाय से बहुत दूर नहीं जा सकता. सो इसलिए जैसे स्थिति आजकल देश में बन रही है, मुझे लगता है कवियों को उसके खिलाफ़ या मैं उसके बारे में सोचना है और लिखना भी है. मैंने खुद भी किया है, व्यक्ति के रूप में और कवि के रूप में मैंने कई कविताएं लिखी है. जैसे एम एफ हुसैन का जो अनुभव था उसके बारे में, जैसे अभी अभी पेरुमाल मुरुगन दो तमिल राइटर के है, उनको माफ़ी मांगना पड़ा अपने नॉवल के लिए. तब उनके, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है, तो उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मैंने कल IAS में पढ़ा भी था. सो हम कम से कम कुछ कवि लोग हैं जो समुदाय से जुड़े हैं, जड़ों तक जुड़े हैं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम ये समुदाय में जो भी दुर्नीति या जो भी हालत हो रही है उसके बारे में बोल दूं और बदलाव के लिए भी कोशिश करूं. जी, मेरा नाम चुनौती सगरोली, और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिनसे आप प्रेरित होकर आपने कविता लिखनी शुरू की है,
और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कविता लिखने पर मजबूर करती हैं, मतलब इज़ इट नेचर इंस्पायर्ड और समथिंग लाइक दैट? मेरे परिवार में कवि कोई नहीं था मेरे पहले, लेकिन मेरा जन्म यहाँ हुआ, एक गांव है कोडंगल्लू, वो वहाँ एक बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम था कुंजिकुट्टन तंपुरान। उन्होंने व्यास का महाभारत का सीधा अनुवाद संस्कृत से किया और उन्होंने डिक्टेट किया, उन्होंने लिखा भी नहीं, एक आदमी को डिक्टेट किया, वो संस्कृत बिल्कुल व्यास की तरह संस्कृत आया जैसे व्यास किया, तो संस्कृत पढ़ के वो मलयालम में उसी समय अनुवाद किया। सो पूरा महाभारत का अनुवाद उन्होंने किया था और अपनी भी कविताएं हैं, वो तो ये 20वीं सदी के शुरू में हुआ था। सो मेरे लिए एक प्रेरणा बिल्कुल ये कुंजिकुट्टन तंपुरान, जो मलयालम के बहुत बड़े कवि है, अनुवादक है, वो ही था। और महाभारत भी मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बाय द वे। और लेकिन जब बाद में जब मैं कविता लिखना शुरू सीरियसली मैंने कविता लिखना शुरू किया, तब बाकी बहुत सारे कवि मलयालम के बहुत कवि मुझसे पहले जो थे, अय्यप्पा पणिक्कर जो आधुनिक कविता का एक अग्रदूत जाता है मलयालम में, और बाकी भाषाओं की कविता, जैसे उस समय में अनुवाद में बाकी भाषाओं की कविताएं भी पढ़ रहा था, जैसे मार्थेकर की या दिलीप चित्रे की, और मुझे समझ में आया, और ये सारे प्रेरणाएं थी। और आपका दूसरा सवाल जो था, क्या सिचुएशन मुझे कविता लिखने का मजबूर करती है, मैं बर्थोल्ट ब्रेट को का एक दो पंक्तियां मैं याद करता हूँ, वे कहते हैं यहाँ संसार में बहुत सारे सुख हैं, लेकिन दुख मुझे मेरे मेज पर लाता है। ये मैं भी ये रिपीट कर सकता हूँ कि एक तरह से मेरा ही दुख नहीं, बाकी लोगों का दुख भी वही मुझे मजबूर करती है कविता लिखने में। बाकी सुख मैं चाहता हूँ, सारे लोग लोग समझता सुखी नो बंधु, लेकिन जब हम जानते हैं कि इतने सारे लोग दुखी है लोग में, और जब तक एक भी दुखी लोग में है संसार में, मुझे लगता है कवि को उस दुखी को संबोधित करके कविता लिखना पड़ेगा। बहुत सुंदर। आप सर, मेरा नाम एचल गुप्ता है, मैं शिमला निवासी हूँ जी। सर, ये कविता लिखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कवि होके ही जन्म लेता है, उसमें उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकता, एक वासना तो होना ही चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग कैसे, ट्रेनिंग का ये मतलब है नहीं ये कोई क्लास में जाके पढ़ता है, आजकल ये भी हो रहा है, बहुत क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेस है, वर्कशॉप है, ये है। लेकिन मेरे बारे में अगर कहें, और मेरे ही नहीं बहुत सारी कवियों के बारे में अगर कहें, एक तो लिखना, आई मीन कभी रुकावट के बिना लिखते रहना, कभी कभी बुरी कविताएं भी होंगी, लेकिन आपको लिख के रहना पड़ेगा आगे जाने के लिए। दूसरा मेरे लिए ये था कि देखना माने प्रकृति को देखना, बारिश को सुनना, बारिश की संगीत सुनना, और पेड़ या पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सबको देखना, और मनुष्य के अनुभव को भी, बाकी अपने पड़ोस के लोग, बाकी लोग, उनके अनुभव, वो सो मनुष्य के, प्रकृति के, दोनों का, क्योंकि कविता के बारे में कहते हैं कविता एक तरह के संवाद है, अपने आप से एक संवाद है, दूसरे से एक संवाद है, प्रकृति से संवाद है, और ईश्वर से संवाद है। ईश्वर का मतलब ये भी हो सकता है पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड से संवाद। सो इसके लिए तीसरा मेरा ये ट्रेनिंग था कि अनुवाद करना। मैं बहुत शुरू से, मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था तब उमर खयाम की बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया था, श्लोक में, संस्कृत जैसे श्लोक में, और फिर मैंने बहुत अनुवाद किया है, अभी कम से कम 15,000 पेज। बीच में रोक रहा हूँ, आपने श्लोक कहा, हाँ, कन्नड़, मलयालम, तमिल और बांग्ला में भी कविता की आवृत्ति की परंपरा आज तक मौजूद है जी, जो दुर्भाग्य से हिंदी में समाप्त हो गई है।
क्या आप अपनी कोई छोटी सी कविता आवृत्ति करके हम लोगों को सुना सकते हैं मलयालम में? समय हमारे पास बहुत कम है, छोटी सी कविता, और आपके पास डायरी भी नहीं है, तो कोई अगर याद हो, दो चार पंक्तियां भी अगर याद हो, आवृत्ति करके अगर आप सुनाएं, जैसे मलयालम में पढ़ी जाती है, दो दो तीन पंक्तियां में मलयालम के शब्द के लिए, उसके बाद में एक ये एक मेरी एक पुरानी कविता है, एन चोरेयिलुंडोरु सूर्यन കുങ്കുമ ഗന്ധം വിതറി ചെങ്കനൽ ചുറ്റും ചിതറി കത്തും തരുണാരുണ ചഞ്ചല സൂര്യൻ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ സൺ ഇൻ മൈ ബ്ലഡ്, ദ സൺ ഹൂ സേ ഹൂ സ്കാറ്റേഴ്സ് സ്പാർക്സ് ഓൾ അറൌണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് ദ സെൻറ്റ് ഓഫ് കുങ്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ പോയം അബൌട്ട് ഫൈവ് സൺസ് ആൻഡ് അബൌട്ട്. മേരാ നാം ബതായിയെ ടികേന്ദർ ഹൈ ഓർ മൈ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഹൂ ഷിംല മേ. മേ യേ പൂച്ഛന ചാ റഹാ താ കേ ജൈസാ ആപ്നെ പൂരാ ഏക് थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया कि मॉडर्निज्म ने पूरा लिबरेटिंग कविताएं भी दी हैं, लेकिन फिर हम एक पोस्ट मॉडर्निज्म का भी दौर देखते हैं, और अब जो खासकर हम हिंदुस्तान में न्यू लिबरलिज्म देख रहे हैं, तो खासकर कंटेम्पररी टाइम में जो कविताएं हैं उस पर न्यू लिबरलिज्म कैसा चैलेंज थ्रो कर रही है? आप सवाल का जवाब दें इसके पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप केरल से हैं, इतनी कम उम्र का डिप्टी मेयर या तो आप केरल में देख सकते हैं या शिमला में देख सकते हैं. बधाई आपको पहले, सबसे पहले, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आप आई नो बहुत बधाई, आई नो हिम सर जी, बहुत बधाई. जवाब दीजिए टिकंदर. हाँ जी, न्यो लिबरलिज्म के युग में सारी चीज़ें कमोडिटीज बन जाते हैं. ये पहले भी एर्नेस्ट फिशर ने कहा है, कैपिटलिज्म एक मिदास राजा की तरह है, जो भी छुएगा सोना, जो भी वो छूता है वो कमोडिटी बन जाता है. जैसे पुराना मिदास की कहानी आपको आपको मालूम है कि सोना बन जाता था जो भी वो छूते हैं, लेकिन कहते हैं कैपिटलिज्म जिसको भी छूते हैं वो तुरंत एक कमोडिटी बन जाता है, वो बिकने वाली चीज़ बन जाती है. सो न्यू लिबरलिज्म की कोशिश ये है कि सभी चीज़ों को, कला को, कविता को, पूरी संस्कृति को एक कमोडिटी बना देना. सो मुझे लगता है कविता का आवाज इसके खिलाफ है, और कविता मुझे लगता है क्योंकि कविता उतना पॉपुलर नहीं है, कविता बिक के और कविता लिख के आप जी भी नहीं सकते, ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है. इसलिए क्योंकि नॉवल का हालत वो नहीं है, नॉवल कैन बी सोल्ड, यू नो, इट कैन बी कमोडिटी. सो यू हैव चेतन भगत, यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ, कम ऑन सर, यू नो, आई टेक ऑब्जेक्शन, नॉट ऑल नॉवेल्स आर कमोडिटी. नो, व्हाट आई एम सेइंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. कविता में भी मुझे मालूम है जो एक तरह के कवि है जो बहुत पैसे बनाते हैं, वो कवि हास्य कवि सम्मेलन वगैरह में जाते हैं वगैरह, मुझे मालूम है कवि सम्मेलन में जाने के लाखों रुपए फीस मिलती है. लेकिन मैं उन कवियों के बात कर रहा हूँ जो कविता को सीरियस लेता है, कविता उनके लिए जीवन ही है. तो ऐसी कवियों मुझे लगता है ऐसे कवि लोगों को खरीदना आसान नहीं है. Exactly. वो क्योंकि उनका आवाज ये जो भी जो इनजस्टिस हो रहा है उसके असत्य है, अनीति है, उसके खिलाफ उठेगा ही. सो कविता न्यूलिबरलिज्म के खिलाफ है, मैंने कैपिटलिज्म के ही खिलाफ. जी. मेरा नाम प्रेम प्रकाश खत्री है. आपकी ओर से जो है स्कूलों में छोटे एज के बच्चों के अंदर जो है कविता का मतलब ये व्यक्तिगत रूप करके प्रसार के लिए जो है कुछ प्रयत्न हो रहा है या नहीं हो रहा? इसमें एक चीज सच्चिदानंदन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और बहुत सही बात याद की कि एक जमाना था जब अच्छे स्कूलों में अपनी भाषा के महत्वपूर्ण कवियों के साथ छात्रों का संवाद करवाया जाता था. अभी स्थिति यह है कि हर चीज टैक्स पेयर मनी, टैक्स पेयर्स मनी, बड़ा पॉपुलर फ्रेज है आजकल. हाँ, फलानी यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ बात हो रही है तो टैक्स पेयर्स मनी बर्बाद हो रहा है, तो हर चीज टैक्स पेयर्स मनी के तर्क में की जा रही है आजकल. एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो श्रेष्ठ कविता है या श्रेष्ठ साहित्य है, उपन्यास या कोई भी, क्या हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि कुछ दिनों बाद ये बाकायदा घोषणा होने लगेगी कि चूँकि टैक्स पेयर्स मनी इन्वॉल्व है
इसलिए इस तरह के साहित्य को ना तो किसी तरह का पुरस्कार देने की ज़रूरत है, ना इस तरह के सस्ते संस्करण छापने की ज़रूरत है सब्सिडाइज्ड। क्या वाकई हमारा देश अब उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अब स्कूलों में बच्चन और दिनकर बुलाए जाएं, ये तो अकल्पनीय हो चला है। इक्का दुक्का संस्थाओं में होता होगा, केरल में शायद ज़्यादा होता है, लेकिन अब स्कूलों में आज का कोई महत्वपूर्ण हिंदी कवि बुलाया जाए, ये कभी कभार इक्का दुक्का कहीं हो तो वो आमतौर से ये स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। ऐसी स्थिति में आपके सवाल से जोड़ करके मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो टैक्स पेयर्स मनी का जो एक फ्रेज चला है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, और स्कूलों में बच्चों तक कविता को हम कैसे ले जाएं? जी जी जी, यह आपका जो सवाल है मूल सवाल वो तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमें भी ऐसा एक ट्रेनिंग मिला था। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कवि लोग आते थे, या फिर कवि लोग स्कूल में नहीं है तो हमारे गांव में या पड़ोस के गांव में या टाउन में जब भी कवियाँ आते थे, हम जाते थे। exactly. बहुत मुश्किल था उन दिनों में, पैसा उतना नहीं था, लेकिन हम कुछ पैसा बना के जाएंगे बस में या दूर भी जाएंगे इन कवियों को सुनने के लिए, हमारे सीनियर कवियों को सुनने के लिए, और वो एक बड़ी प्रेरणा थी हम कवियों, युवा कवियों के लिए। और उसके बाद में जब कॉलेज में पढ़ा था, मैं खुद ही एक सोसाइटी बनाया जिसमें सबसे बड़े मलयालम के कवियों को हम बुलाते थे, सुनते थे, उनसे सवाल पूछते थे। सो ये सारे मेरे जीवन में उसका रोल बहुत बड़ा है ऐसे ऐसे सुनने का। और मुझे जैसे आपने अब कहा, मुझे लगता है ये चीज़ें शायद दुस्साध्य या इम्पॉसिबल हो रहा है, कुछ जगह होती है लेकिन बहुत कम, कुछ जगह होती है बहुत कम है, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम बदल जा रहा है। वो सारे लोग चाहते हैं ही पैसा कमाएं, जैसे आईटी में जाके या जो भी करके पैसा कमाएं। सो पैसा हमारे जीवन का केंद्र बना है, और उस तरह के एक स्थिति में एक समुदाय में कविता का स्थान तो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड होता, माने एक साइड में होता, उसका सेंट्रल वो पोजीशन नहीं होता। ये शायद हो रहा है, और हम सब लोगों को बहुत दुख है कि ऐसा हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये इसमें ये पुरान जो इनका सवाल से जुड़े हैं एक तरह से, क्योंकि जैसे नियो लिबरलिज्म वगैरह है ना, ये यही करता है, ये सारी संस्कृति को ही ये बिल्कुल यू नो बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेंगे या अगणनीय बना जाता है। मेरा एक छोटा सा मानना ये है कि कवि की कविता हम जब पढ़ते हैं तो वो हम सही मैसेज को नहीं समझ पाते हैं। जब कविता जिसने लिखी है और वो जब एक्सप्रेस करके खुद गाता है तो वो उसका जो है आनंद और उसका जो है मैसेज जो है वो सही जो है। बिल्कुल जी, नहीं कवि से सुनना अच्छा है जी। हरी चौहान सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के जो संदर्भ में कि जब भी हम कहीं कवि सम्मेलन वगैरह देखते हैं कि समाज में इतनी उदासीनता क्यों है कि जो कवियों को सुनने के लिए बहुत कम आदमी जुटते हैं, तो इसका आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? कि एक कारण तो उन्होंने बताया ही है और वो उनके सवाल में भी निहित था, और जो बात मैं कह रहा था वो भी, जिस तरह की आर्थिक और सामाजिक नीति पिछले करीब 25-30 साल से अपने देश में या सारी दुनिया में चल रही है, उसमें केवल वही चीज़ महत्वपूर्ण है जो तुरंत बेची जा सके और तुरंत जिसका लाभ हमें प्राप्त हो सके, इसी को चीज़ों का कमोडिटिफिकेशन या वस्तुकरण कहते हैं। अगले किसी सवाल के जवाब में फिर ये बात आएगी। आप कोई हाँ नमस्कार, मेरा नाम रौनक है। सर मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि लोगों की कविता में रुचि कम हो रही है, खास करके युवा पीढ़ी। सर तो एज अ पोइट व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? लेकिन ये हम सामान्य रूप से नहीं कह सकते, जैसे केरल में या बंगाल में या महाराष्ट्र में, या कम से कम ये तीन स्टेट में कहूँगा जहाँ कविता की संस्कृति अभी बहुत सजीव है, सक्रिय है, और बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं अपने अपने ब्लॉग्स है मेनली। ये सारे सोशल मीडिया पर एक नया अपॉर्चुनिटी दिया है इन लोगों को, कि पहले तो एडिटर को भेजना था, अगर एडिटर को पसंद नहीं आया नहीं छापेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आजकल आप खुद छाप सकते हैं, अपना ब्लॉग बना सकते हैं। सो बहुत सारी केरल में कम से कम 2,000-3,000 कवियाँ हैं जिनके अपने ब्लॉग हैं, युवा कवि लोग, क्योंकि मैंने उनका एक संग्रह बनाया है ब्लॉग कविताओं का, उनमें से चुन के। और
बहुत सारे लोग आते हैं कवियों को सुनने के लिए. सो इसका मतलब है जो ऐसे कुछ भाषा संस्कृतियाँ ऐसी हैं जिसमें कविता का एक कविता केंद्र में है. जैसे मैं मलयालम के बारे में मैं वही कहूँगा, कविता केंद्र में है. बड़े बड़े नॉवलिस्ट हैं हमारे वहाँ, फिर भी कविता इट इज सेंट्रल टू अवर लाइफ. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसका एक कारण ये भी है. बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों केरल में कविता इतने पॉपुलर है. इसका एक कारण ये भी है कि जब कविता केरल के समुदाय के साथ ही चली आई है. अब अगला सवाल लेंगे सचिन जी. जी जी सर, मेरा नाम विश्वभूषण है. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कविता अब खेत में इंतज़ार कर रही है बीज बनकर, तो वो बीज कैपिटलिस्ट के हाथ लग के कमोडिटी बन जाए, तब तक हमारी कोशिश इस तरह नहीं होनी चाहिए कि सब कवि या कोई भी पोइट जो लिखता है प्रोग्रेसिव जैसा मर्जी लिखे वो, उसका एक प्लेटफॉर्म हो और वो अपनी बात को वहाँ रख सके जी. और उनकी जो बड़े अच्छे कवि हैं जिनको शायद हम नहीं जानते हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं, चाहे वो मुक्तिबोध थे, चाहे दुष्यंत कुमार थे, चाहे कबीर थे, चाहे रैदास थे, कोई भी जिनका अपनी अपनी जो धारा है, वैसा एक प्लेटफॉर्म ना बने जिस पे हम भी जाकर, चाहे हम मतलब हमें रुचि ही हो पढ़ने की, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने, कोई नेट पे हो या कोई इस तरह का, जहाँ पे हम बड़े आसानी से जा सकें और उसको एक्सेस कर सकें. सर मेरा नाम कीर्ति है. हाँ, पूछिए. सर जब भी कोई कविता लिखी जाती है तो क्या कोई कोड्स एंड एथिक्स या रूल्स होते हैं जो कवियों को फॉलो करने होते हैं? सचिता जी आप इसका जवाब दें. इसके पहले जो बात आपने कही विश्वभूषण जी ने, आप एक तो जिस प्लेटफॉर्म की बात आप कर रहे हैं वैसे प्लेटफॉर्म अब सोशल मीडिया की मेहरबानी से उपलब्ध है. जी जी, सच्चिदानंदन जी ने अभी बताया हमें कि 2 या 3 हज़ार युवा कवि मलयालम में ब्लॉग लिख रहे हैं, हिंदी में भी मैं जानता हूँ. पिछले 7-8 साल में कुछ महत्वपूर्ण कवि फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए ही नोटिस में आए हैं. तो प्लेटफॉर्म तो उभर रहे हैं. थोड़े संतोष के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है. यानी आप देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में मलयालम के एक वरिष्ठ कवि से बात कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हिमाचल के या हिंदी क्षेत्र के किसी वरिष्ठ कवि से या उसकी कविता के बारे में केरल के किसी नगर में बात करूं. तो कोशिश ये है ही. अब प्लीज़. जी जी जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे और नेट में पर्टिकुलरली बहुत सारे पोएट्स ग्रुप्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, और साहित्य अकादमी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कोशिश करते हैं अपने, लेकिन सारे माने उनका रीच उतना बड़ा नहीं होगा, फिर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोशिश करते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. देखिए, अब जैसे इसी कार्यक्रम को हम लोग यहाँ स्टेट म्यूजियम में कर रहे हैं. हाँ जी जी, ये अपने आप में स्टेट म्यूजियम द्वारा उपलब्ध कराया गया प्लेटफॉर्म है. या बिल्कुल, तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको और अधिक व्यवस्थित और संगठित किया जाना चाहिए. लेकिन अभी जो इस लड़की ने सवाल पूछा रूल्स के बारे, कोड एंड एथिक्स, नहीं रूल्स नहीं, उसने बहुत खास शब्द का प्रयोग किया, कोड एंड एथिक्स ऑफ पोएट्री, एथिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कानून की छात्रा है वो. नहीं, मुझे नहीं लगता कोई कोड है. एथिक्स, यस, एथिक्स का मतलब, लेकिन उसको एक बड़े पैमाने में आपको सोचना पड़ेगा पोएट्री का एथिक्स क्या है, क्योंकि पोएट्री का एथिक्स का मतलब ये नहीं है आम एथिक्स जो हम कहते हैं, जिसको हम क्या सदाचार कहते हैं, जो भी हो लोकाचार, जिसको लोकाचार लोकाचार कहते हैं. कभी कभी कवियों को लोकाचार को तोड़ना भी पड़ता है. Absolutely. लेकिन कविता का बेसिक एथिक्स एक है कि अपने आप से सच होना, अपने प्रति सच, बी ट्रूथफुल टू वन सेल्फ. आई थिंक अगर एक प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया है मेरे पूरे जीवन में, ये है, मैंने जब भी मुझे लगा है कि कुछ कहना है, मैंने कहा है. मैंने कभी सोचा नहीं क्या हुआ होगा, सो मुझे अरेस्ट किया है, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन मैंने कभी सोचा इसका क्या होगा, क्या कोई मुझे कुछ कहेगा, या मैंने कभी नहीं सोचा. जब मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना है, मैंने कहा है, और
अपने आप से, अपने कॉन्शियंस से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवि का, वही है प्राइमरी। और उसका मतलब ये भी है कि अपने अपने सोसाइटी से भी उनका एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। सो वही मुझे लगता है सबसे कविता का नीति के साथ रहना, टू बी विथ जस्टिस, टू बी विथ ट्रूथ, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं कि कवि होने के लिए ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटिव होने की बजाय सच्चा होने की कोशिश करें। जी, मेरा सवाल है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कविताओं का क्या महत्व है? मुझे लगता है बड़ा, क्योंकि जब भी मैं एक सिचुएशन में हूँ, मुझे कुछ बुरा अनुभव हो रहा है, मेरी पहली याद तो कविताओं की पंक्तियां हैं, पहले लिखी हुई कविता। क्योंकि अच्छी कविता ये होती है जो जीवन के संदर्भ में आकस्मिक रूप से पढ़ता है, सडनली इट अपीयर्स, सम यू नो यू रिमेंबर सम लाइन्स ऑफ पोएट्री व्हेन यू आर इन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज पोएट्री इज इंटीमेटली लिंक टू लाइफ सिचुएशंस। जो कभी कभी हम कबीर को याद करते हैं, कभी शेक्सपियर को याद करते हैं, क्यों? इसलिए मुझे लगता है जीवन से कविता गहरी गहरा रूप में जुड़ी है। बिल्कुल जी, ये आपके सवाल के जवाब में तो नहीं, लेकिन वैसे ही एक पुरानी संस्कृत उक्ति याद आती है जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हम लोगों को बार बार याद करनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। तो कविता या संगीत या कला असल में मनुष्य होने की बुनियादी शर्तों में से एक है। धन्यवाद सच्चिदानंदन जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, शिमला के रसिक श्रोताओं का और ऑडियंस का। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और हर बार की तरह फिर से आपको याद दिलाऊं कि इस कार्यक्रम के बारे में, इस पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में या किताब कार्यक्रम के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का और आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय हमारे फेसबुक पेज पर या हमारे ट्विटर हैंडल पर हैशटैग किताब करके भेज सकते हैं, और जो राय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी, सबसे विचार उत्तेजक हमें लगेगी, उस राय को भेजने वाले व्यक्ति को हम अपनी ओर से कुछ अच्छी पुस्तकों का उपहार देंगे। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे किसी और महत्वपूर्ण किताब पर, किसी और महत्वपूर्ण लेखक, कवि या विचारक के साथ बात करते हुए। तब तक आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।